बिसम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबको उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे खुश रखे आबाद रखे तो इस वक्त सुबह का टाइम है और अभी अभी बच्चे स्कूल गए हैं मैंने सबसे पहले किचन में आके बर्तन वॉश किए फिर ये सारी सब्ज़ियाँ के रखी हैं क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं फ़टाफट से अपने सारे कामों को मैनेज कर लूँ और ज़रा सा भी अगर बैठ गई ना तो सुस्ती से फिर इंसान जो है वो काम अपने प्रॉपर टाइम पे कर नहीं सकता तो इसलिए बस मैंने ना फ़टाफट आज किचन में आके काम स्टार्ट कर दिए हैं मैंने ये हरी चटनी बना ली है जिसमें कि लीमू है पुदीना है हरा धनिया है हरी मिर्चें हैं फिर लहसुन है और सफ़ेद ज़ीरा है नमक है तो ये चटनी बनकर तैयार होगी अगर इस चटनी को इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाए ना थोड़ा सा पानी डालकर लिक्विड ज़रा करके तो फिर रोल समोसे पकौड़ों के साथ इसको ऐसे भी खा सकते हैं और दही के साथ भी मतलब दही भी बीच में मिक्स करके तो चटनी हमारी बन गई यहाँ पर मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस जो कि रमज़ान में बहुत काम आती है और आपकी होम मेड पिज़ा सॉस बनी हुई हो ना तो उसकी तो क्या ही बात है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है आप पिज़्ज़ा बनाएँ फिर आ, किसी भी चीज़ में आप लजानिया में ऐड करें स्पैगटिज़ रेड सॉस के साथ बनाएँ तो उसमें भी आपकी ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो बहुत काम आएगी मैंने यहाँ पर तीन तकरीबन साढ़े तीन किलो ये टमाटर थे जिनको वॉश कर लिया था इनको सारा कट कर लिया है और अब इनको मैं बस ब्लेंडर में डालकर तो ब्लेंड कर लूँगी ये सारे टमाटर हैं हमारे पास ब्लेंड हो चुके हैं अब जो सॉस है वो बनाते हैं तो यहाँ पर ना चार टेबल स्पून मैंने ले लिया कुकिंग ऑयल के फिर इसके अंदर एक लार्ज साइज़ की प्याज़ ली है जिसको बिल्कुल बारीक काट लिया है और पंद्रह से सोलह जवे लहसन के लिए मोटा वाला लहसुन है तो उसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और इसको ना थोड़ा सा बस इतना पकाना है कि सॉफ़्ट करना है बाकी इसको और कुछ भी नहीं करना हमने कि कोई गोल्डन कलर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सिर्फ सॉफ्ट करना है प्याज को तो यहाँ पर प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो चुका है फिर इसके अंदर ये जो टमाटर ब्लेंड किए थे ये सारा इसके अंदर मैं डाल दूंगी और इसको पकते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका आप इतनी देर में साथ साथ बाकी के काम करते जाएं इतनी देर में ये पिज़्ज़ा सॉस बनती जाएगी यहाँ पर दो टेबल स्पून चिकन पाउडर लिया है एक टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं नमक वन टी स्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग एक टेबल स्पून पैप्रिका है वन टी स्पून थाइम लीव्स हैं और वन टी स्पून औरगेनो है ठीक है तो बस ये स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी बाकी अब ये पकता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें यहाँ पर अब देखें अब ये स्टेज आ गई है कि पानी खुश्क होता जा रहा है बबल्स बन रहे हैं और ये बबल्स जब बनते हैं ना हाथ भी जल जाते हैं ये मेरा तो छाला बन गया इतने ज़ोर से एक बबल आके हाथ पे लगा और पीछे दीवारें चूल्हे ये वाली स्टेज बड़ी ख़तरनाक होती है तो यहाँ पर अब ये पानी इसका काफ़ी ड्राई हो चुका है यहाँ इसके अंदर तीन टेबल स्पून मैंने डाले सफेद सिरके के चार टेबल स्पून चीनी के डाल दिए हैं और इसके साथ ही यहाँ इसके अंदर मैंने ना थोड़ी सी थाइम लीव्स और डाली हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ़्लेवर जो है वो आ, कम लग रहा था इसका इसकी जो खुशबू फ्लेवर होता है ना वो मुझे चाहिए था तो मैंने हाफ टी स्पून के जितना और डाली है अच्छा यहाँ पर एक प्याली चिली गार्लिक सॉस की मैं डाल रही हूँ और ये डालने के बाद दोबारा मिक्स करके पकाना है कि प्रॉपर पानी खुश्क हो जाए अभी इसमें ये देखेंगे बबल बन रहे हैं तो मैंने ऊपर ढक्कन ढांप दिया था और इस तरीके से बीच में स्पून भी रखा था क्योंकि इसको चलाते रहना अब ये साथ लगना स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी सारी जो पिज़्ज़ा सॉस है ना ख़राब हो जानी है अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है अब इसको आपने बिल्कुल पेस्ट की तरह जैसा बाजार का होता है वैसे करना चाहते हैं तो इसको अगेन आप ब्लेंड भी कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती आप इसको ऐसे ही रखें पिज़्ज़ा सॉस को और अब ये ठंडी होने के बाद मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल कर रख दी है तो ये रमज़ान में इंशाल्लाह काम आएगी मेरे साथ रहिएगा रोज़ जो बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इस पिज़्ज़ा सॉस को कैसे कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ अब जो है मैं बना रही हूँ ये चिकन के चंक्स जो कि बना कर रखें ना आप तो इतनी आसानी होती है दो किलो बोनलेस चिकन ले लिए इसकी छोटी छोटी बोटियाँ काटूँगी पिज़्ज़ा की टॉपिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं सैंडविचेस में चिकन ब्रेड बनाएं आप किसी भी चीज़ में ऐड करें पास्ता में स्पैगेटीज़ में तो ये आपके आप बना हुआ रखा हो ना चिकन तो आपको बहुत लंबा कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ ये जो बोनलेस चिकन था दो किलो इसकी मैंने इस तरीके से छोटी छोटी बोटियाँ काट ली हैं अब इस चिकन को मसाला क्या क्या लगाना है वो आपको मैं बताती हूँ और ये भी वो भी बहुत आसान मसाले हैं बस एक टेबल स्पून इसमें गार्लिक पाउडर ले लिया है मैंने दो टेबल स्पून टिक्का मसाला डाल दिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी एक टेबल स्पून भरकर चाट मसाले का हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर और नमक थोड़ा सा मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि चाट मसाला के अंदर भी नमक होगा तो फिर उस हिसाब से नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है यहाँ तक़रीबन मैंने वन टी स्पून के जितना नमक डाला है फिर इसके अंदर चार से पाँच टेबल स्पून सिरके के डाल दिए या लेमन डाल दें और हल्दी डाली है मैंने तकरीबन इसमें वन टीस्पून के जितना वन टीस्पून ही इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है अब इस मसाले को मिक्स कर लेना है इसको कोई मैरिनेट नहीं करना कुछ भी नहीं करना बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको कुक कर लेना है तो यहाँ पर मसाला मिक्स हो गया है कढ़ाई में मैं ऑयल लूँगी तकरीबन चार से पाँच टेबल स्पून और ये सारी जो बोटियाँ ना इसके अंदर डाल दूँगी अब करना क्या है आपने इसको बिल्कुल भी ढक्कन ढाम के नहीं पकाना क्योंकि चिकन का पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा ये छोटी छोटी बोटियाँ बहुत गल जाएंगी बस इसी तरीके से आपने तेज़ आंच पर इसको करके तो पकाना है मीडियम हाई फ्लेम करें और इसको चम्मच चला के तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करें और बस इसको कुक कर लें तो ये जो चिकन है ना इस तरीके से चंक्स बने रखे हों तो आपके लिए इतनी आसानी होगी कि आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें तो फिर उस पर आपका बिल्कुल टाइम लगेगा नहीं झटपट बन जाएगा क्योंकि हमें नहीं पता कि गैस के क्या हालात होते हैं और फिर टाइम भी कम होता है बनानी भी होती हैं चीज़ें और आपके बाकी भी काम चल रहे होते हैं आपकी इबादत भी होती हैं तो फिर ज़्यादा टाइम जो है ना उन चीज़ों को फिर मिल जाता है अब यहाँ पर ये पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार है ठंडे होने के बाद मैंने इन डब्बों में डाल दिए और ये चिकन के चंक्स भी तैयार हो चुके हैं दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं उसके बाद बारी आती है जी मेन जो चीज़ होती है ना जो बेसिक बुनियाद जिसे कहते हैं लहसन अदरक हर चीज़ की ये बना रखा होना तो आपको बड़ी आसानी होती है तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो लहसन था उसको मैंने भिगो दिया था और ये आधा किलो ये अदरक है तो यहाँ इसको मैं छीन लूँगी अच्छा यहाँ मैंने छीलने के लिए ना पीलर लिया था और ये जब मैं इसके साथ छील रही थी तो आधे से ज़्यादा अदरक तो मुझे लगा कि छिलके के साथ ही जा रहा है मैं जब अपनी बेटी को कभी दूँ ना लहसुन और अदरक छीलने के लिए इस तरीके से अदरक तो वो ऐसे पीलर से छीलती है और मैं कहती हूँ कि आधा अदरक तो तुमने ज़ाया कर दिया तो वो ऐसे ही कहती है कि नहीं आ, ममा बस छील दिया है ना तो आ, मैं ये सोच रही थी कि हम जो बचपन में देखते आ रहे हैं ना अपनी माओ को ऐसे वो खुरच के उसको छीलना तो हमारी वो आदत बनी हुई है अब ये दो मैंने छीले रहे तो मेरा दिल ही नहीं माना कि अब मैं अदरक इतना ज़्यादा ज़ाया कर दूँ ऐसे पीलर के साथ छील के तो फिर बाकी का जो है ना मैंने छुरी से वो उसको ऊपर से छिलका उतारा क्योंकि इस तरीके से तो छिलके के साथ काफी ज्यादा जो अदरक है वो ज़ाया हो रहा था तो अब ये वाली जनरेशन जो है ना वो इतना इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती उनको वो काम करके या तो बस काम करना है चाहे कैसे भी करना है यहाँ ये बस अदरक को जरा मैं साफ़ कर रही थी देख रही थी कि कोई बीच में इस तरह से खराब ना हो तो बाकी जो है अदरक को छील के और लहसन को भी छील के तो फिर इसको भी मैं चॉप करके रखूँगी चॉप किया हुआ लहसुन अदरक बेस्ट रहता है क्योंकि जब आप पेस्ट बनाते हैं ना तो फिर उसमें जब आप किसी भी खाने में डालें तो इतना आपको आइडिया नहीं होता क्वांटिटी का वैसे तो मैं लहसन को अलग रखती हूँ और अदरक को अलग ही रखती हूँ क्योंकि कभी किसी खाने में किसी चीज़ की कमी बेशी हो सकती है लेकिन अभी देखती हूँ फ़िलहाल के मेरा ये था कि दो इन दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठा ही करके रख देती हूँ असल में डब्बे और जो बॉक्सेस होते हैं वो इतने इस्तेमाल हो रहे होते हैं कि फिर आपके पास कोई चीज़ रहती ही नहीं है चीज़ें डालने के लिए समझ ही नहीं आ रहा होता कि किस चीज़ को किस में रखें तो लहसन भी यहाँ पर मैं छील रही थी क्योंकि पानी में भीगा हुआ लहसन हो ना फटाफट से छिल जाता है और खड़े खड़े बस किचन में साथ साथ मैं बाकी के काम भी देख रही थी और जितनी देर में ये मेरी पिज़्ज़ा सॉस चूल्हे पर रखी हुई थी ना बन रही थी उतनी देर में मैंने ये लहसन अदरक छील लिया था अब आपको तो मैंने एकदम से पूरा एक ही उसमें दिखाया है ना क्योंकि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है तो फिर प्रॉपर एक तरीके से एक तरह ही रेसिपी शेयर की है तो यहाँ पर मेरा लहसन अदरक हो गया इसको मैंने चॉप कर लिया अच्छा ये मैंने माश की दाल ली है ढाई कप ये मैंने रात को भिगो दी थी और अभी जो है ना इसको मैं अच्छे से पहले वॉश कर लिया था फिर इसका ये वाला पानी भी निकाल के दो बार धो लिया अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी यहाँ पर मैंने एक प्याज़ लिए तीन हरी मिर्चें लहसन के तकरीबन आठ से दस अदद लहसन के जवे हैं और आधी आधी दाल डालूंगी थोड़ा सा साथ हाफ कप के जितना पानी डाल के ना तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है पेस्ट अच्छे से बना लेना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना बस इतना ही पानी डालना है और अगर आपको ज़रूरत हो लगे कि ब्लेंड अच्छे से नहीं हो रहा तो थोड़ा सा पानी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तो ये देखेंगे इतना स्मूथ सा पेस्ट बन गया इसी तरह से जो बाकी दाल है उसको भी मैं अच्छे से पीस लूँगी और यहाँ पर सारी दाल पिस चुकी है तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना और लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है अब ये हैंडवेस्क लेके आपने ना तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे से इसको फेंटना है जैसे हम केक का बैटर तैयार करते हैं ना उसको विप करते रहते हैं तो बस इसको भी इतना फ्लफी सा करना है इसके अंदर जितनी हवा भरेगी ना उतने ही जो भले होंगे वो सॉफ़्ट होंगे और अच्छे मज़ेदार बनेंगे तो ये देखें अब पहले ये किस तरह से था और अब इसको मैंने इतना अच्छे तरीके से बीट करती रही हूँ कि अब ये इतना फ्लफी सा हो चुका है और आपको देखने से आइडिया भी हो गया होगा तो हाथ तो खैर इसमें काफ़ी आपका थक जाता है लेकिन ये स्टेप करना लाजमी है अब यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है अब आजकल फ्राइंग का काम भी बहुत हो रहा है चीज़ें बन रही हैं मेरा वही कढ़ाई में ऑयल है पहले का पड़ा हुआ तो इसी के अंदर मैं ये भले फ्राई कर रही हूँ इस तरीके से एक एक टेबल स्पून के जितने ले रही हूँ बहुत बड़े साइज के नहीं बनाऊँगी क्योंकि नॉर्मली घर में जब चीज़ बनाते हैं ना तो बस वो अपने हिसाब से ही उसको बनाना पड़ता है इतने बड़े बड़े भले मैं नहीं बना रही और ये देखें इस तरीके से अब इसको ना आपने फ्राई जो करना है सारा कमाल उसी के अंदर है आपने इसको बहुत आराम सुकून से इतमान से इसको पलटते रहना है इसको अच्छे से प्रॉपर फ्राई करना है ताकि अंदर से जो एक दाल का कच्चापन है ना वो आपके भलों में ना आए अगर वो आएगा तो फिर किसी काम के भी नहीं होंगे आपने मीडियम फ्लेम मीडियम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और पलटना है और ये देखिए अंदर से कितने ज़बरदस्त किस्म के बिल्कुल जैसे ब्रेड होती है ना उस तरीके से ये सॉफ़्ट भी हैं और अच्छे से फ़्राई भी हो गए आप पहले टेस्ट करके एक देख लें आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर उसमें कच्चापन आ रहा है तो फिर आप उसको अच्छे से फ़्राई करें अच्छा भले हो गए भलों के साथ अब जो चटनियाँ बनती हैं तो वो मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैंने आलू बुखारे लिए थे दो ग्राम इनको भिगो कर रख दिया था अगर टाइम ना हो जैसे अभी मुझे भूल गया था तो मैंने क्या किया, किया कि पानी गर्म करके पहले इसको रखा चूल्हे पर और दो तीन उबाल आए तो फिर मैंने इसको ठंडा करके तो उनकी गुटलियाँ निकाल ली थी और फिर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया और अब इसको चूल्हे पर रख दिया बस इसके अंदर क्या डालना है आपने चीनी डालनी है मैंने इसमें तकरीबन अब ये वन एंड हाफ ग्लास के जितना पानी होगा ना तो मैंने इसके अंदर तकरीबन पाँच से छः टेबल स्पून चीनी के डाले और रेड फूड कलर डाल दिया है बाज़ार वाली का वो कुछ ऑरेंज रेडिश सा कलर होता है इस तरह का रेड भी होता है आपकी अपनी मर्जी है जैसा भी कलर हो अब ये कि घर में हमारी ये साफ़ सुथरी सी चटनी बनी हुई होती है बाहर तो अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ शीरे में ही कलर मुझे लगता है कि डाला हुआ होता है तो ये पकने के बाद थोड़ी थिक होगी तो ये हमारी लाल चटनी तैयार हो गई है अब यहाँ पर इमली की चटनी इमली भी मैंने ली थी तकरीबन दो ग्राम के जितनी उसकी घुड़कियाँ निकाल लीं और ये दो ग्लास के जितना इसमें पानी है इमली के अंदर इसमें स्पाइसिस काला नमक है कुटी लाल मिर्चें हैं ज़ीरा पाउडर है वो लाजमी डालना है और ये मैंने डाल दिया इसमें अदरक का पाउडर तकरीबन वन फोर टी स्पून बहुत ज़्यादा नहीं डालना फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक भी मस्त आपने डालना है इसके अंदर और ये सारे इमली की चटनी के इंग्रेडिएंट्स हैं हाफ कप मैंने इसके अंदर चीनी का डाल दिया है आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने चीनी डाल डाली है अब ये चटनी पकते हुए टाइम हो गया है इसको गाढ़ी भी हो गई है तो बस अब यहाँ इसका मैं चूल्हा बंद कर दूँगी चटनियाँ ठंडी हो गई तो अब ये बॉटल्स में भर कर रख दूँगी ये हमारी लाल वाली चटनी आ गई जो कि ऊपर यूज़ होती है कम इमली की चटनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है आम तौर पर पकोड़ों समोसों रोल के साथ भी और वैसे दही भलों के ऊपर या चाट के ऊपर भी तो वो मैंने ज़्यादा मेदार में बनाई है और ये मैंने इतनी बनाई है कि जितनी मतलब इस्तेमाल हो जाए अच्छा ये हमारी आगे इमली की चटनी तो इसको मैंने एक बोतल में भर दिया है और ये जो डिब्बा है ना इसके अंदर भी डालकर मैं रख दूँगी फ्रीज़ कर लूँगी तो फिर जब भी ज़रूरत होती है निकाल लेते हैं अच्छा अब हमारे भले भी तैयार हो गए ये भी ठंडे हो गए इनको भी मैंने बॉक्स में रख दिया है और साथ में आपको बना के भी दिखाती हूँ थोड़े से अभी आ, मैंने पानी में भिगोए थे जितने मुझे अभी चाहिए बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दही भी ले लिया उसको अच्छे, अच्छे से फेंट लिया है दही को और यहाँ पर ना इस तरह से नरम हाथों से आपने दबा दबा कर उसका पानी निकाल लेना और ये कितने सॉफ्ट हैं और इस तरीके से ये होता है कि ऑयल भी जो होता है इसके अंदर वो भी निकल जाता है फिर मैंने यहाँ एक प्याज़ बिल्कुल बारीक काट लिया था प्याज को भी अच्छे से पानी में वॉश करके डालें उसका वो जो तेज़ी होती है ना कड़वाहट वो निकल जाती है एक अदर टमाटर बारीक काट लिया थोड़ा सा हरा धनिया बस ये चीज़ें डाली हैं और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और लगे कि दही अगर बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो थोड़ा सा उसमें दूध डाल लीजिएगा बहुत ज़्यादा खट्टा दही भी ना हो बस नॉर्मल हो दही अब यहाँ इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये जो हरी चटनी बनाई थी ना वो अच्छा सारा कमाल जो है ना दही भलों में भलों का और इन चटनियों का मतलब असेंबल आप जब करेंगे ना इन चीज़ों के साथ प्रॉपर तो क्या कमाल के दही भले आपके बनकर तैयार होंगे और ये अलहमदल बहुत ही मज़े के बने हैं और मैंने यहाँ पर लाल चटनी भी और इमली की चटनी भी डाल दी थी अच्छा इमली की चटनी में यही जिस आ, कप के साथ मैंने डाली थी ना उसमें जो लाल चटनी का थोड़ा सा कलर था तो मैंने सारी इमली की चटनी में मिक्स कर दिया था तो उससे भी उसका कलर भी थोड़ा बहुत डार्क ब्राउन नहीं आया अच्छा खूबसूरत से ऊपर चाट मसाला डाल दिया पापड़ी भी फ्राई करके डाल दिए और बहुत ही मज़े के दिए भले बने तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आज की वीडियो में कोई भी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे बताना मत भूलिएगा लाइक भी वीडियो को लाजमी कीजिएगा अल्लाह